हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान के किसान भाइयों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भाई सरकार आए दिन कुछ ना कुछ नई नई योजनाएं बनाती रहती है किसानों के लिए। भाई कभी किसानों की कर्ज माफी को लेकर कोई योजना बनती है, तो देखो कभी किसानों को ऋण माफी या फिर ऋण देने की योजना बनाई जाती है। दोस्तों वो बात अलग है कि भाई कुछ ही किसानों को इसका लाभ मिल पाता है और कुछ किसान इस योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी एक योजना के बारे में हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइबर के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी सरकारी योजना की वीडियो डालेंगे तो उसकी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। राजस्थान के अन्नदाताओं के लिए बड़ी खबर, सहकारी बैंक किसानों की आय बढ़ोतरी के लिए देंगे ऋण। राजस्थान के अन्नदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब सहकारी बैंक किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए ऋण देंगे। इस संबंध में सरकार ने तैयारी भी कर ली है और सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों को उनकी खेती बाड़ी के साथ कृषि कार्य के लिए आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक अपने गठन की उपयोगिता को साबित करने के लिए किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण वितरण की योजना बनाकर ऋण वितरण करें। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि तभी संभव होगी जब किसान को जिस कार्य योजना के तहत ऋण दिया जा रहा है उसका उपयोग उसी के अनुसार हो। जी हाँ दोस्तों, अब देखो इन्होंने अभी बैठक करी है राजस्थान के अंदर और नई तकनीकी योजनाओं के लिए, नई तकनीकी कृषि यंत्रों के लिए अब किसानों को नई तरीके से ऋण देने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि इससे किसान की आय में वास्तविक वृद्धि संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा है कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए आवश्यक संसाधनों के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा। रजिस्ट्रार ने कहा है कि हमें किसानों के हित में और कृषि का विकास करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके लिए उनको कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि बैंकों को किसानों की कार्य योजना की जांच कर सही ऋण की पहचान कर ऋण वितरण करना होगा, ताकि बैंक ऋण वितरण चक्र को तेजी से घुमाते हुए किसानों को राहत प्रदान कर सके। जी हाँ दोस्तों, देखो राजस्थान की सरकार अब एग्रीकल्चर लोन, जो हम बोलते हैं कृषि के लिए लोन, अब देने वाली है किसानों को या फिर किसानों को देने की योजना बना रही है, ताकि वो देखो अपनी खेती बाड़ी में नई तकनीकी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, जिससे वो अपनी जो इनकम है, अपनी आय है, उसमें वृद्धि कर सके। इसके लिए देखो दोस्तों राजस्थान में बैठक भी हो गई है और बैठक में देखो आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोगों जो बैठक में लोग मौजूद थे, वो देखो इनमें से कुछ खास ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भाई ये सारे लोग बैठक में मौजूद थे। अलवर जो भी राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट के सहकारी भूमि विकास बैंकों के सचिव और अन्य अधिकारी ये बैठक में मौजूद रहे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि भाई किसानों को इस योजना का लाभ कब तक मिलता है, किसानों को कब तक ऋण मुहैया कराया जाएगा। और दोस्तों आप अपनी कमेंट में राय जरूर दें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत।